दोस्तों बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आ गया है, तो चलिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या रखा गया है और कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इस बार सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से होगा, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव मार्किंग, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। मेरिट कैसे बनेगा और आप लोगों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी कैसे करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और सरकारी कॉलेज में दोस्तों बहुत ही कम खर्च लगेगा, बहुत ही कम फीस पर आप डीएलएड कर सकते हैं। तो चलिए संपूर्ण जानकारी देख लीजिए और फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यह यहां पर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस बार जो एडमिशन लिया जाएगा 2022 से 2024 सेशन के लिए, और इसके बारे में आप लोगों को एक महीना पहले ही बताए थे कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली अब फॉर्म भी निकाल दिया गया और फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है दोस्तों 27 जून से ही फॉर्म भराना शुरू है और 17 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। तो इसमें आप लोगों को मात्र यहाँ पर 20 दिन का समय दिया गया, तो इसलिए आपको बहुत अधिक वेट नहीं करना है, फटाफट फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो परीक्षा उपरांत प्राप्तांक जो आपका मार्क्स आएगा उसी अकॉर्डिंग कोटिवार यानी जो कैटेगरी आप फिलअप किए रहेंगे जिस अकॉर्डिंग सीट रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो मार्क्स के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा, चाहे आप प्राइवेट से भी बिहार में अगर आप डीएलएड करना चाहते तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो पहला कंडीशन दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को लेकर है, तो इस फॉर्म भरने के लिए जो रखा गया 12वीं पास, और दोस्तों इस बार एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है तो आपके लिए एक बेहतर मौका है कि आप मात्र 20,000 रुपये में डीएलएड कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो 2 साल का डीएलएड कोर्स मात्र 20,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में जो फी है 1 साल का 10,000 रुपये है, 2 साल का कोर्स है तो 20,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा तभी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। लगभग इसमें 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत अधिक कंपटीशन है, और आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके आप संपूर्ण तैयारी के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ये परीक्षा जो ली जा रही है दोस्तों ऑनलाइन ली जा रही है, इसलिए आपको टेस्ट भी ऑनलाइन देना चाहिए जिससे आपको सारा कुछ पैटर्न सब कुछ पहले से समझ में रहेगा और आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फटाफट आप एप्लीकेशन से जुड़िए और मात्र 499 रुपये में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा। तो कोर्स का फी बहुत ही कम रखा गया जिससे किसी भी स्टूडेंट को कोर्स लेने में दिक्कत ना हो। और इसमें देखिएगा तो मैथ से क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद साइंस हो गया, जीके हो गया, टीचिंग लर्निंग, इंग्लिश से सभी विषय से मिला करके टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगे इसके बारे में सिलेबस के बारे में देखिएगा और कैसे क्या सिलेक्शन होगा संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप चाहिए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए जिससे आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो 1 जनवरी 2022 को 17 साल आपका कंप्लीट हो गया तो आप फॉर्म भर सकते हो। और 12वीं का जो कंडीशन है 50% अंक का कंडीशन, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से एससी एसटी या दिव्यांग से है तो 5% का आपको छूट भी मिल जाएगा, 45% पर भर सकते हैं। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जनरल हो गया, बीसी के लिए 50% अंक का कंडीशन 12वीं में रखा गया है। और अगर आप सरकारी नौकरी यानी टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर लेते हैं तो आप डीएलएड से 1 से लेकर के 5 तक और 6 से लेकर के 8 तक का टीचर बन सकते हैं। 6 से 8 तक में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में डीएलएड या फिर बीएड, और 1 से 5 तक के लिए आप डीएलएड के साथ साथ 12वीं है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी आप डीएलएड करने तक मिडिल स्कूल तक का टीचर बन सकते हैं, बस आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद आरक्षण का लाभ भी आपको मिलेगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आवेदन करने की जो तिथि रखा गया है 27 जून से 17 जुलाई तक है और परीक्षा शुल्क दिनांक 27 जून से 19 जुलाई तक 2 दिन अधिक रखा गया, भर सकते हैं। और इस परीक्षा में दोस्तों 120 नहीं 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीएड एग्जाम में टोटल 120 रहता है तो डीएलएड में 150 अंक का क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो आगे निगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताएंगे। अब बात करते हैं परीक्षा कब ली जाएगी, तो दोस्तों इसमें अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला है, अगस्त में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। पेपर में जब इसका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले ही बताया गया था शिक्षा विभाग की ओर से कि हम अगस्त में एग्जाम ले लेंगे। सीबीटी एग्जाम है तो अगस्त में 15-16 तारीख या 20 तारीख तक शुरू हो जाएगा एग्जाम और लगभग 5 से 7 दिन इसका एग्जाम चलेगा। सीबीटी एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में, तो लगभग 5 दिन में ये कम्प्लीट हो जाएगा और प्रत्येक दिन 20 से 25 हज़ार अभ्यर्थियों को एग्जाम लिया जाएगा और 2 लाख रहेंगे तो 10 से 15 शिफ्ट में इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगा।
और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आप अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको नेगेटिव बहुत अधिक अटैम्प्ट नहीं करना है, जिसका आंसर आपको पता रहे। ज़्यादातर क्वेश्चन सही अगर आपका होता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका अधिक मार्क्स बढ़ेगा। फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी EWS BC EBC के लिए 960 रुपये है, SC ST दिव्यांग के लिए 760 रुपये का फी रखा गया है। प्रवेश परीक्षा की अवधि देखिएगा तो ढाई घंटे का परीक्षा का अवधि है, टोटल 150 मिनट का रहेगा और ऑनलाइन एग्जाम में आपको इतना ही समय दिया जाएगा। बाकी किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में देख लीजिए। तो हिंदी से टोटल 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है दोस्तों 3 अंक का है, तो इस तरह से 90 अंक हो गया। गणित से 30 क्वेश्चन हो गया, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, सभी विषय से क्वेश्चन है। तो आपको सबसे अधिक जो ध्यान देना है हिंदी पर ध्यान देना। अगर इंग्लिश की तैयारी नहीं बेहतर है तो हिंदी पर आप पूरा का पूरा बनाइए, गणित में पूरा का पूरा बनाइए, विज्ञान से भी 20 क्वेश्चन है, GK से भी 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है। तो अगर आप इतना तैयारी कर लेते, अगर इंग्लिश की तैयारी बेहतर नहीं है तो भी आपका अगर लगभग इसमें 85 से 90 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, 90 पर बिल्कुल आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और 90 लाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, 150 में से 90 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और निगेटिव मार्किंग देखिएगा तो बहुत अधिक है, अगर आप प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा और जबकि प्रत्येक एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 1/3 का अर्थ ये होता है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कटेगा, 3 क्वेश्चन गलत होने पर 3 मार्क्स और 1 क्वेश्चन सही होने पर 3 अंक मिल रहा है, तो यानी सही का मार्क्स कट हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग बहुत अधिक है, इसलिए जिसका आंसर आपको पता रहेगा वही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और आप बेहतर तैयारी के लिए जाइए, फटाफट एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी अच्छे तरीके से करवाएंगे। अभी बहुत सारा वीडियो DLED कोर्स में पहले से भी अपलोड है और आप लोगों को और बहुत सारा वीडियो मिलेगा सभी विषय का, जिससे आप बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा तो अच्छा रैंक आ जाएगा। अच्छा रैंक आएगा तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और आपके घर के बगल में जो जिला में कॉलेज है उसी में एडमिशन हो जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है तो secondarybiharboardonline.com पर फॉर्म निकाला गया और उसी वेबसाइट से माध्यम से आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिए फॉर्म के बारे में, बाकी अन्य प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए और कैसे। तो सबसे पहला चरण है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल्स, किस जिला से आते हैं, नाम और इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें देना है। इसके बाद फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है। प्रमाण पत्र में कौन कौन सा लगेगा, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ये जन्मतिथि के लिए। 12वीं का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, अगर 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं आया है तो भी भर सकते हैं। मार्कशीट आप यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा। इसके बाद SC ST से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और फ्रीडम फाइटर का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जब फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा सारा कुछ, तो इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो उसी समय आपको सुधार भी कर लेना एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके। फॉर्म बिल्कुल सावधानी से फिलअप कीजिएगा, फॉर्म भरते इसमें आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करना। बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म भरते इसमें कौन कौन सी ऐसी है जो सावधानी आपको बरतना है, तो अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, ये सब चीज़ें को आप सही तरीके से बिल्कुल फिलअप कीजिएगा और कैटेगरी में बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कैटेगरी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप BC BC से आते हैं तो कन्फर्म होकर आपको कैटेगरी फिलअप करना है जिस भी आप कैटेगरी से है। यहाँ से आप देख लिया, बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है। तो यह बिहार DLED का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल पर सेकेंडरी बिहार बोर्ड लिख करके सर्च कर लेना। इसके बाद secondary.biharboardonline.com ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा व्यू अप्लाई DLED ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट, तो DLED यहाँ पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा का लिंक है और इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा, jetsecondary.biharboardonline.com। तो यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का, इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बेसिक डिटेल्स आएगा। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है, आप जिस भी जिला से जिला चूज कीजिए। इसके बाद कैंडिडेट का नाम, अपना नाम दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये हो गया। अब आपको लॉगिन करना है तो व्यू अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। व्यू अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। और आपको अगर पासवर्ड नहीं दिखा है, मैसेज के माध्यम से नहीं आया है, तो यहाँ पर आप नीचे में देखिएगा तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे मांगा जाएगा
अपना यूजर नेम यानी ईमेल आईडी दीजिए और मोबाइल नंबर दीजिए। इसके बाद फाइंड पासवर्ड कीजिएगा तो तुरंत आपको पासवर्ड दिख जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख करके रख लीजिएगा। और लिख कर रखने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड मिल गया, फिर इसके बाद व्यू अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर दीजिए, जो मोबाइल नंबर शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिए थे। पासवर्ड दीजिए, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अब आपको फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो गया, पेमेंट भी आपको करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको आवेदन का रिसीविंग प्रिंट निकाल करके रख लेना है। अब परीक्षा का यहाँ पर डेट देखिएगा, तो जो डेट रखा गया है यहाँ पर, यहाँ से आप डेट के बारे में देख सकते हैं, 17 जुलाई तक रखा गया है, तो यानी मात्र 20 दिन का समय दिया गया। तो बहुत अधिक आपको लेट नहीं करना, जल्द से जल्द आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और कैसे फिलअप करना है इसके बारे में आप देख ही लिए, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाइए आप फटाफट फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और एक परीक्षा कब ली जाएगी, तो परीक्षा अगस्त में 15-16 तारीख से यानी सेकेंड वीक के बाद शुरू कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है, तो ऑनलाइन परीक्षा लगभग 5 दिन चलेगा। और आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अभी आप फॉर्म भरने में 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप इतना रुपया खर्च करके फॉर्म फिलअप कर ही रहे हैं, तो बेहतर तरीके से तैयारी के लिए मात्र एप्लीकेशन से जुड़ करके मात्र 499 रुपये में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, संपूर्ण तैयारी भी करवाएंगे। आप अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा तो बिल्कुल आपका अच्छा रैंक आएगा और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो आप देर मत कीजिए, फटाफट जाइए एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला है, जुलाई भर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और अगस्त में 15 तारीख से इसका परीक्षा भी ले लिया जाएगा।